अब देखिए महेंद्रगढ़ में 40वें पशु मेले का आयोजन किया गया है। अब ऐसे में पशुपालन मंत्री ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी दलाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करेंगे। सर पूरा क्या कार्यक्रम है ये? हर साल की तरह जो उत्कृष्ट पशुपालक हैं, अच्छी नस्ल के पशु हैं, उनका हम मेला लगाते हैं और उनको प्राइज भी देते हैं और इस तरह के मेले से जो किसान हैं या पशुपालक हैं उनको बहुत लाभ होता है। अच्छी नस्ल के पशु या अच्छे पशुपालक उनसे बात कर सकता है हर आदमी कि भाई आपने कैसे काम किया, कहाँ से पशु लिया, क्या कब पैसा खर्चा, क्या खिलाते हो, इसमें कितने की आमदनी हो जाती है और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए इसी से ज़्यादा पशुपालन का काम ज़्यादा लाभदायक है। तो इसी का आप देखो हजारों हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, लगभग 2000 अलग अलग पशु हैं, पशुओं के मालिक हैं वो लेके आए हुए हैं। सब तरह की नस्ल है यहाँ, हरियाणवी नस्ल है, सिंधी नस्ल है, गिर नस्ल है, भैंस हमारी बुर्रा तो है ही है, ऊँट भी हैं, घोड़े भी हैं। तो इससे तो एक तरह से लोगों के अंदर उत्साह भी होता है, मनोरंजन की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है, ले जाने लाने की व्यवस्था है। तो हम क्योंकि चाहते हैं कि हरियाणा के किसान उसकी सेवा करने का हमारा दायित्व है, वो पशुओं के मेला हो चाहे कृषि का हो चाहे बागवानी का हो, इसमें भाग लेकर के बहुत लाभ उठाते हैं। सर कल बजट आया है, हरियाणा की लगभग आबादी है वो कृषि पर आधारित रहती है, किस तरह से देखते हैं कि जो कल बजट आया है उससे कितना लाभ किसानों को पाएगा? बहुत अच्छा बजट हमारे वित्त मंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है और उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पैक्स का कर्जा था 1700 करोड़ रुपये वो माफ़ कर दिया, नहरों का मालिया तो अंग्रेजों के ज़माने से चलता था आप जाना वो माफ़ कर दिया। इसी तरह से तरह तरह की योजनाएं लेके आए हम, बीमा की योजनाएं हैं, द्रोण दीदी है, लखपति दीदी है और गरीब आदमियों की छत पे जो सोलर की लाइट लगती है 60,000 रुपये केंद्र की सब्सिडी है, 50,000 की सब्सिडी हम देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं। गरीब भाई बहन हैं जिसकी आमदनी 1 लाख से है, साल में 1000 किलोमीटर की वो रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकता है। और हमारी कोशिश ये है कि जो कमज़ोर हो, तगड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का किसी क्षेत्र का हो, सब फले फूले आगे बढ़े, हरियाणा एक हरियाणा। सर कुछ जो कल जो किसान है वो पानी की जो मांग लगातार दक्षिण हरियाणा के करते हैं और राजस्थान के साथ एक जल समझौता हुआ है तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? एक दक्षिण हरियाणा के लिए क्रांतिकारी कदम है। कुछ दिनों में जमुना के अंदर महीने के आसपास ज़्यादा पानी होता है जो समुद्र में चला जाता है, बह के चला जाता है, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। और उस वक्त हमारे उत्तर हरियाणा के लोग हैं वो भी पानी को मना कर देते हैं और एक हमारे राजस्थान के ज़िले हैं, चुरू है, सीकर है, राजगढ़ है का इलाका है, वहाँ बेचारे 600-600 रुपये टैंकर से पानी लाते हैं। तो केंद्र के साथ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, तीनों में समझौता हुआ कि जब जमुना में पानी ज़्यादा है, हमारी नहरें हैं उससे भर के एक्स्ट्रा पानी है, वो पानी हम उनको दे दें। तो पाइप के द्वारा हथनीकुंड बैराज से पानी लगा करके वो जोधर्ज है, चुरू और सीकर के इलाके में जाएगा। इसके साथ जब वो फैसला हुआ तो हमारे विचार विमर्श हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा वो 3 पाइप तो उनको दे रहे, एक पाइप हम अपना दबा लेते हैं, उस पाइप के यहाँ लेक बना करके तालाब बना करके उस पानी को भर लेंगे, उससे पानी की रिचार्जिंग हो जाएगी, सिंचाई में काम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो इलाका महेंद्रगढ़ का है, दादरी का है या भिवानी का है, इसके अंदर वो है एक्स्ट्रा पानी मिलेगा। पानी आज की जिंदगी है, किसान के लिए पानी से बढ़ के कोई चीज़। सर मेरा आखिरी सवाल है, एक लुआस का रीजनल सेंटर महेंद्रगढ़ के अंदर शुरू होना था जो पंचायत भवन के अंदर चल रहा है, उसकी बिल्डिंग बन चुकी थी लेकिन वो बिल्डिंग के अंदर अभी तक शुरू नहीं हो चुका, बिल्डिंग मैं अधिकारियों से जानकारी करके चालू करवा। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि आज जो विभिन्न जो उत्तम नस्ल के जो पशु हैं वो आज इस मेले के अंदर आएंगे तथा वहाँ अन्य जो किसान हैं उनसे देखकर कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे और इस मेले के अंदर लाखों की जो संख्या में जो किसान है वो पहुंचने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन अक्रमवीर के साथ अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़।